नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ई वे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे एक्सपीरियंस के बारे में। एक्सपीरियंस क्यों जरूरी है? आप लोगों को पता होगा दो तरह की जॉबें आती है, एक तो फ्रेशर के लिए आती है और दूसरी जो जॉब होती है एक्सपीरियंस के लिए आती है। वैसे में जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है वो जॉब को छोड़ देता है। एक्सपीरियंस वाले जॉब में दो तरह के फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि आपकी जो सैलरी स्टार्टिंग सैलरी काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि आप फ्रेशर होते नहीं हैं। दूसरा, वहाँ पे कंपटीशन काफ़ी कम होता है क्योंकि एक्सपीरियंस वाले जॉब में काफ़ी कम अभ्यर्थी हैं, काफ़ी कम स्टूडेंट हैं जो अप्लाई कर पाते हैं। वैसे में अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आप बहुत अच्छे जगह जा सकते हैं। जैसे किसी ने 2014 में, 16 में, 15 में, 18 में, 19 में आईटीआई करके, डिप्लोमा करके, बीटेक करके अभी तक घरों पर बैठा हुआ है। जब एक्सपीरियंस वाला भी बहाली आती है उसमें आप अप्लाई नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है। आज हम बात करेंगे आपको कहां से एक्सपीरियंस लेना चाहिए, वो कौन सा कंपनी है, कौन सा वर्कशॉप है, कौन सा कॉलेज है जहां से आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो 2 या 3 साल पहले कोई टेक्निकल डिग्री लिए थे, कोई प्रोफेशनल डिग्री लिए थे, जैसे 2016 में लिया, 17 में लिया, 18 में लिया, मतलब पीछे 2-3 साल पीछे कोई कोर्स किया था, कोई डिग्री लिया था, कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट उनके पास था और जब कंपनियों में वो जॉब के लिए गए, प्राइवेट कंपनी में जॉब मांगने के लिए गए, वहाँ पे कंपनी वाले ने पूछा कि 3 से 4 सालों से आपने आईटीआई करके, डिप्लोमा करके, बीटेक करके क्या कर रहे थे। वहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मैं तैयारी कर रहा था। अगर आप ऐसा बोलते कि मैं तैयारी कर रहा था, तुरंत कंपनी से बाहर निकल देगा, इंटरव्यू भी आपका नहीं होगा। क्योंकि तैयारी करना किसी तरह का ये कोई जवाब नहीं होता, ये ऑथेंटिक नहीं होती है। इसका मतलब ये माना जाता है कि आप वहाँ पर फेलियर हो गए हैं, आप वहाँ पर फेल कर गए तभी आप कंपनी ज्वाइन करने के लिए आए हैं। वैसे में आपके पास कोई बहाना नहीं रहता है, इसीलिए आप बैठिए नहीं, कहीं ना कहीं से एक्सपीरियंस ले लीजिए या एक्सपीरियंस के लिए काम कीजिए। और एक्सपीरियंस कभी भी लेते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जहाँ जो भी आपका ट्रेड है, जो भी आपका ब्रांच है, उस तरह का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। काम करने का इन द सेंस ये है कि कभी भी अगर आप एक्सपीरियंस लेते हैं तो काम करके एक्सपीरियंस लीजिए। बहुत सारे बच्चे जुगाड़ से एक्सपीरियंस ले लेते हैं, उसका भी काम हो जाता है, लेकिन ये आपकी मर्जी है कि आप कितना सीखें, कितना जानते हैं। बहुत सारे इंटरव्यू में आपसे बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको नहीं पता होता है, इसलिए नहीं पता होता कि आपने उस तरह का काम नहीं किया और वो कंपनी वाला आपको पकड़ लेता है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर हम बात करेंगे 3 तरह के एक्सपीरियंस के बारे में। पहला है टीचिंग एक्सपीरियंस, वर्कशॉप एक्सपीरियंस और कंपनी एक्सपीरियंस। ये 3 तरह के एक्सपीरियंस हम बना सकते हैं, हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि देखा जाए आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो यही 3 तरह का एक्सपीरियंस आगे आपके काम आने वाले हैं। अब आपको डिसाइड करना कि आपको किस तरह का एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि कभी भी एक्सपीरियंस बनेगा तो तीनों में से किसी एक तरह का एक्सपीरियंस आप बना सकते हैं, ले सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो आप इसे डिसाइड कैसे करेंगे कि आपको किस तरह का एक्सपीरियंस लेना चाहिए? तो इसके लिए आप अपना एम को डिसाइड कीजिए कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, क्योंकि जो फ्यूचर में करना है उसी का एक्सपीरियंस अगर आप लेंगे तभी जाकर आपको सफलता मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिल सकता है। गलत एक्सपीरियंस आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे पता था कि मुझे टीचिंग लाइन में जाना है, मुझे बच्चों को एजुकेशन देना है, तो मैंने टीचिंग वाला ही एक्सपीरियंस चूज किया, क्योंकि मैंने क्वालिफिकेशन लिया, बीटेक किया, सीआईटीएस किया और भी बहुत सारे कोर्स किए, लेकिन सारे कोर्स मुझे कहीं ना कहीं टीचिंग की ओर ले जा रहे थे और इसीलिए मैंने टीचिंग एक्सपीरियंस लिया, कॉलेज में जाकर पढ़ाया। तो आपको भी डिसाइड करना है कि आपको टीचिंग लाइन में जाना है कि आपको कंपनी में जाना है, क्या करना है। काम के अकॉर्डिंग आप एक्सपीरियंस डिसाइड कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें, सबसे पहला है टीचिंग एक्सपीरियंस। तो टीचिंग एक्सपीरियंस का जो उपयोग है, यूज कहाँ होगा, इसका यूज केवल और केवल ओनली टीचिंग में होता है, टीचिंग से बाहर इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कोई टीचिंग एक्सपीरियंस लिया है किसी कॉलेज से, किसी यूनिवर्सिटी से, और वो चाहे कि कंपनी में कहीं वैकेंसी आई है जहाँ पे मांगा गया है आपसे एक्सपीरियंस रिलेटेड फील्ड का, तो आप टीचिंग वाला एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं दे सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखिए, अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो आप टीचिंग वाले एक्सपीरियंस का ही उपयोग करेंगे। अब हम बात करेंगे वर्कशॉप एक्सपीरियंस के बारे में। तो इसको समझने से पहले आपको कंपनी और वर्कशॉप में अंतर क्या होता है, इस बात को आपको समझना होगा। देखिए, वर्कशॉप किसी एक काम के लिए डेडिकेटेड होता है, जैसे वेल्डिंग वर्कशॉप,
जैसे कारपेंट्री वर्कशॉप, जैसे टेलरिंग वर्कशॉप, मतलब कोई वहां पे एक ही तरह के काम किए जाते हैं उसको हम लोग वर्कशॉप बोलते हैं, और जहां पे मल्टीपल काम होते हैं उसको हम लोग कंपनी बोलते हैं। कंपनी में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट भी होता है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट भी होता है, सिविल डिपार्टमेंट होता है, अलग अलग तरह के वर्कशॉप भी होते हैं, उसको अगर कंबाइन किया जाए तो वो एक कंपनी बन जाती है। समझ गए कंपनी और वर्कशॉप में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि अगर हम वर्कशॉप से एक्सपीरियंस लेते हैं तो इसका उपयोग फ्यूचर में कहाँ कहाँ हो सकता है। देखिए वर्कशॉप वाले जो एक्सपीरियंस है उसका उपयोग हम टीचिंग में भी कर सकते हैं, टीचिंग में करने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा स्पेशल टाइप ऑफ जॉब में कर सकते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ जॉब इन द सेंस की अगर मान लीजिए अगर आपने वेल्डिंग शॉप से, वेल्डिंग वर्कशॉप से वेल्डिंग का आपने एक्सपीरियंस लिया है तो उस कंडीशन में कहीं जॉब आती है जहां पे वेल्डिंग का एक्सपीरियंस मांगा गया है वहां पे इस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लगा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने किसी वर्कशॉप में, फिटिंग वाले वर्कशॉप में लेथ पे काम किया है और कहीं वैकेंसी आती है जहां पे लेथ स्पेशलिस्ट की बात आती है वहां पे इस वर्कशॉप का एक्सपीरियंस लग सकता है। मान लीजिए कोई ऐसा वर्कशॉप है जहां पे सीएनसी मशीन से कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, अगर कहीं बहाली आती है सीएनसी मशीन की तो वहां पे आप जाकर नौकरी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने मोटर वाइंडिंग का एक्सपीरियंस लिया है किसी वर्कशॉप पे और कहीं पे मोटर वाइंडिंग की बहाली आती है जहां पे एक्सपीरियंस मांगा गया है वहां पे इसका उपयोग कर सकते हैं। समझ गए। अब हम समझेंगे कंपनी एक्सपीरियंस का इसका यूज कहाँ है। देखिए कंपनी एक्सपीरियंस का यूज टीचिंग में भी कर सकते हैं, इस वाले कंडीशन में आप इसका एक्सपीरियंस लगा सकते हैं क्योंकि वहां पे प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों तरह के एक्सपीरियंस काम आते हैं। दूसरा है स्पेशल टाइप वाले में भी आप लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए वेल्डिंग का एक कंपनी है, उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है आपसे कि वेल्डिंग का चाहिए और आप इस कंपनी में काम करें एज ए वेल्डर, एज ए वेल्डर इस कंपनी में काम भले कुछ भी कर रहे हैं आपको यहां पे रख लिया जाता है। इसके अलावा न्यू एक्सपीरियंस जॉब, मान लीजिए कोई कंपनी का, बहुत बड़ी कंपनी का जॉब आ रहा है, फॉरेन जाना है, वहां पे इस कंपनी का एक्सपीरियंस आपको काफी काम आएगा क्योंकि ये एक बहुत ब्रांडेड कंपनी होती है और ये भारत सरकार या बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं द्वारा ये चलाए जाते हैं, वैसे में इसका एक्सपीरियंस हर जगह वैलिड होता है। लेकिन ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसका जो एक्सपीरियंस होता है बहुत जगह मान्य नहीं होता है। ठीक है, तो आप एक्सपीरियंस कहाँ से लेंगे ये तो डिसाइड कर ली। अब आगे हम बढ़ते हैं वन बाय वन करके समझते हैं कि वो कौन कौन सा जगह है जहाँ से हम एक्सपीरियंस ले सकते हैं। हम बात करेंगे टीचिंग एक्सपीरियंस का, टीचिंग एक्सपीरियंस हम कहाँ से ले सकते हैं। पहला तो इंस्टीट्यूट होता है, इंस्टीट्यूट का मतलब ये हुआ कि जैसे ITI हो गया, ITI भी एक इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा जो कोचिंग हो गए, कोचिंग को भी हम लोग इंस्टीट्यूट बोलेंगे। कोचिंग का मतलब यह है कि जो बड़ी वाली कोचिंग, छोटी वाली कोचिंग नहीं, जैसे आकाश हो गया, बंसल हो गया, नारायणा हो गया, इस तरह के जो बड़े बड़े कोचिंग है उस कोचिंग की हम बात कर रहे हैं तो वो इंस्टीट्यूट के अंतर्गत ही आते हैं, उससे भी एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। इसके अलावा कॉलेज, कॉलेज में किसी भी तरह का कॉलेज हो जहां पे आपके ट्रेड और आपके सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है वहां से आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इसके अलावा स्कूल हुआ है, वैसा स्कूल जहां पे आपके ट्रेड की कोई एजुकेशन दी जाती हो वहां से आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। जैसे जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे, जो कोपा वाले बच्चे हैं उनका, वो स्कूल से भी एक्सपीरियंस लेंगे तो मान्य होगा। स्कूल गवर्नमेंट या प्राइवेट हो, केवल और केवल अफिलिएटेड होगा गवर्नमेंट से तो यहाँ से एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी भी दो तरह का होता है, एक गवर्नमेंट होता है, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है, मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है, यहाँ से भी आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इसके अलावा NGO, बहुत सारे नॉन गवर्नमेंट संस्थाएँ होती हैं जहाँ पे, जहाँ वो लोग अपने अपने इंस्टीट्यूट खोलकर, अपने अपने संस्था खोलकर समाज में एजुकेशन देने का काम करते हैं, इस NGO के थ्रू भी आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इसके अलावा स्किल सेंटर, जैसे PMKY हो गया, PMKVY हो गया, ये सारे जो स्किल सेंटर नए नए बनाए गए हैं वहाँ से भी आप अपने जॉब के रिलेटेड एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और इस तरह के जो टीचिंग एक्सपीरियंस होगा वो आपको आगे जो टीचिंग वाले जॉब होते हैं उसमें काम आएगा। जैसे अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, ITI में इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, उसमें ये काम आ सकता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे वर्कशॉप एक्सपीरियंस का, कि वर्कशॉप एक्सपीरियंस कहाँ से ले। इसके लिए आपके यहाँ दो तरह के चीजें दिखाई देती होगी, पहला एक सर्विस सेंटर और दूसरा रिपेयरिंग सेंटर। सर्विस सेंटर किसके बोलते हैं और रिपेयरिंग सेंटर किसको बोलते हैं। देखिए सर्विस सेंटर उसको बोलते हैं जहाँ पे
बड़ी बड़ी कंपनियां अपना सर्विस देती है, जैसे मान लीजिए महिंद्रा हो गया, मारुति हो गया, हीरो हो गया, इस सब कंपनियों से अगर आप कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं उनकी रिपेयरिंग के लिए वो लोग बड़े बड़े शहरों में अपना सर्विस सेंटर खोल कर रखते हैं। जैसे अगर आप बाइक लेते हैं, मोटरसाइकिल लेते हैं, उसका एक सर्विसिंग कराने जाते हैं, तो इन्हीं के किसी न किसी सर्विस सेंटर में आप जाकर सर्विसिंग कराते हैं। अब रिपेयरिंग सेंटर किसको बोलते हैं, जहां पे लोकल लोगों द्वारा, जहां पे आम पब्लिक के द्वारा लाइसेंस लेकर गवर्नमेंट से कोई रिपेयरिंग सेंटर खोला जाता है, जहां पे गाड़ियों की मरम्मत की जाती है, जहां पे आपके जो भी प्रोडक्ट है उसके पार्ट्स को चेंज किया जाता है, रिपेयर किया जाता है, उसको हम रिपेयरिंग सेंटर बोलते हैं। अब जो सर्विस सेंटर है, यहां से एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप मैकेनिकल्स हैं, फिटर्स हैं, वेल्डर्स हैं, तो मारुति के सर्विस सेंटर से आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं, हीरो के सर्विस सेंटर से ले सकते हैं। अगर आप आईटी से है, इलेक्ट्रॉनिक्स से है, तो सैमसंग से ले सकते हैं, टाटा से ले सकते हैं, सोनी, महिंद्रा, मतलब आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग जो कंपनियां है, जहां पर जो जिस तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उस कंपनी का सर्विस सेंटर से, अपने नज़दीकी किसी सर्विस सेंटर से एक्सपीरियंस ले सकते हैं, वहां पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा रिपेयरिंग सेंटर की बात करें तो आपके शहर में देखे होंगे वेल्डिंग शॉप होगा, कारपेंटरी शॉप होगा, फिटर शॉप होगा, वाइंडिंग शॉप होगा, मोबाइल टीवी रिपेयरिंग शॉप होगा, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग शॉप होगा, टेलरिंग होगा, ब्यूटी पार्लर होगा, कंप्यूटर रिपेयर होगा, बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो आपके ट्रेड से रिलेटेड होते हैं, तो यहां से भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं। एक्सपीरियंस लेते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि ये सारे जो रिपेयरिंग सेंटर रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होता है क्योंकि ये लिमिटेड कंपनी का ऑलरेडी सर्विस सेंटर है, लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो शॉप होते हैं रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। रजिस्टर्ड किसी एनजीओ से हो, किसी नगर निगम से हो, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हो, या एमएसएमई से हो, कहीं से भी रजिस्टर्ड है तो इसका एक्सपीरियंस वैलिड होता है। ठीक है, तो आप इन जगहों से वर्कशॉप का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, और वर्कशॉप का एक्सपीरियंस टीचिंग में और स्पेशल टाइप के वर्क में काम आएंगे। जैसे कहीं पे बहाली आया वाइंडिंग का, मोटर वाइंडिंग का बहाली आया है, तो ये वाला जो एक्सपीरियंस है वाइंडिंग वाला यहां पे काम आ जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट है हमारे पास कंपनी एक्सपीरियंस। अब कंपनी एक्सपीरियंस के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, तो आप लोगों को पता है भारत में बहुत सारी कंपनियां हैं जो प्राइवेट सेक्टर की है और गवर्नमेंट सेक्टर की है, तो प्राइवेट सेक्टर में आप काम करके यहां से एक्सपीरियंस ले सकते हैं। जैसे बड़ी कंपनियों की बात करें तो मारुति है, हीरो है, सोनी है, महिंद्रा है, श्रीराम पिस्टन है, अंबुजा सीमेंट है, मतलब तमाम तरह की कंपनियां हैं जहां पे आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो इस तरह से ये रहा एक्सपीरियंस लेने का जगह, जहां से आपका एक्सपीरियंस वैलिड होगा। लेकिन अब नेक्स्ट जो बात है कि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा उसका फॉर्मेट क्या रहता है, क्योंकि वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट गलत होगा, गलत तरीके से आपका फॉर्मेट दे दिया गया है आपको, तो फिर वो एक्सपीरियंस हो सकता है रिजेक्ट कर दिया जाए और एट ए टाइम आपको जॉब नहीं मिले। इसीलिए जरूरी है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसा होगा उसके बारे में जानकारी लेना। क्या आप जानना चाहते हैं? अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के फॉर्मेट के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। 100 से ज़्यादा कमेंट होगा तो मैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के फॉर्मेट के बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे बहुत सारे बच्चों को फायदा मिल सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के लिए साथ, तब तक के लिए नमस्कार।